घर तो ऐसे साफ कर रहे हैं जैसे मर्डर के सबूत मिटा रहे हो। मर्डर का सबूत एक बार के लिए मिले तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टी का सबूत मिला ना तो सीधे सजाए मौत। इतना डरा हुआ तो मैंने तुझे आखिरी बार तब देखा था जब कमरे में चूहा देख लिया था तूने। तुझे नहीं, तुम्हें, आपको। प्लीज श्रेया, कुछ दिन के लिए टिपिकल पति परमेश्वर, उसके बाद बैक टू नॉर्मल। तो ये भी तो नॉर्मल ही है आई गेस। नॉर्मल हमारे लिए है, उनके लिए नहीं। मम्मी आज भी पापा के बाद खाना खाती है। बताइए क्या जमाना आ गया है। गाड़ी भिजवा दिए जैसे बहुत बड़े कलेक्टर लगे हों कहीं के। अरे जब हम यहाँ तक आ गए तो घर भी पहुँच जाते। हमने तो कछु कहना ही बंद कर दिया है। जैसा देश वैसा भेस बना लिए बस। आई होप सब कुछ ठीक से हो जाए। कौन सा बार बार आएंगे। अरे आएंगे से याद आया, मम्मी पापा रेलवे स्टेशन पहुँच गए होंगे, कॉल कर ले। मम्मी जी पापा जी बोलो श्रेया, कम ऑन। और मैंने उन्हें फोन कर लिया था। वैसे कितना खुश होंगे ना, उनके बेटे ने उनके लिए कैब भेजी है, बिल्कुल फिल्म स्टार्स की तरह। हाँ, आई होप बहू को भी देखकर उतना ही एक्साइटेड हो, है ना? पर हमें तो ना बहू का रहन सहन ही समझ में नहीं आता। शादी हुए कितना वक्त हो गया, एक दिन नहीं मिला इनको ससुराल लाके घूम जाए। न होली न दिवाली, सब कुछ टेलीफोन पे कर लो बस। रजनी जी कल ही पूछ रही थी, बहू नहीं आती घर। अब घर रहे तो पता चले ना कि कैसे चलता समाज। ऐसे शहर में आके अंग्रेज बन जाने से रिश्तेदारी थोड़ी ना चलती है। जैसी मर्जी कर। घर इतना साफ कर दिया है कि मम्मी पापा को इस घर से सिर्फ संस्कारों की खुशबू आएगी। Yeah, right. अमित, खुशबू देखा तुम्हें भी आने लगी ना, संस्कारों की खुशबू। अरे खाना जाके चेक करो। यार अंकल जी रेटिंग दे जाओ। अरे कौन सी रेटिंग भैया जी, पैसों की बात लल्ला से करो हमारे। कर पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐप होता है। हमें ना पता। अरे अंकल आपको पता ही नहीं कुछ। ई 164 करके बता रहा था टेलीफोन पे, बताइए। अच्छा खासा इतना बड़ा आंगन वाला मकान छोड़ छाड़ कर यहाँ कर बस गए सीमेंट के शहर में। शहर आके शहरी बाबू जो बनना था। जा। अरे आइए आइए। भगवान लल्ला कितनी दूर कर लिए। जीते हो गया गृह प्रवेश। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। जीते रहो। चलो शुक्र है आज दर्शन तो हुए, वरना शादी के बाद दोनों को दोनों तो घर का रास्ता ही भूल गए। हटाओ तुम भी, क्या चीजें पकड़ कर बैठ जाती हो। पर अमित बेटा घर तो बहुत ही छोटा लिए हो तुम। अब पापा जी हम दोनों ने ही रहना है तो बड़े घर का क्या करते। सही बात है, जब सोच ही रखे हैं कि अकेले रहना है तो फिर क्या। बस बस माँ कितना गुस्सा दिखाओगी, थोड़ा बहू के साथ बैठो बात बात करो, तब तक मैं चाय लेके आता हूँ। अच्छा चाय भी तू ही लेके आएगा। हाँ ठीक है भाई, मॉडर्न जमाना है आजकल, है ना। तुझे बताओ कछु चूल्हे चौके का भी आता है कि ऐसे काम चलाती हो। नहीं नहीं घर के कामों के लिए मैंने मेड और कुक दोनों लगा रखी है। अच्छा। अरे हाँ शहरों में चलता है ये सब। तुम तो चुप ही रहो, हमें ना समझाओ। इंसान को अपने काम तो आने चाहिए ना। बेटा देखना जरा चाय बन गई होगी।
हाँ जी, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती। तुम काहे उसकी साइड लिए जा रहे हो? अरे भगवान, क्या हाथ धो के पीछे पड़ी हो बेचारी के। इन शहर वालों की जिंदगी में भागदौड़ लगी रहती है, थोड़ा समझा करो बात को। हाँ, ये भी हम ही समझ लेते हैं, उनको मत समझा। इतने महीनों से गांव नहीं आए, थोड़ा गुस्सा होना तो बनता है, आखिर माँ हूँ उनकी। अच्छा जी, और तुम कहे चाय 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 किए जा रहे हो? खाने का बका था, खाना खाओ चुपचाप, शाम को पी लेना, हम बनाएंगे बढ़िया सी गुड़ वाली चाय। पक्का? पक्का। अरे बहू रानी, चाय रहने दो, अब सीधा खाना ही खाएंगे, वरना फिर वो चाय पीने से पेट में गैस वगैरह हो जाती है ना, तो खाना वाना ठीक से हो नहीं पाता। ऑर्डर कैंसिल कर दिया, वो क्या है ना कि आपके रेस्टोरेंट में टाइम बहुत लगता है। आप तो इस बरनी में मेरा पूरा बचपन भर के लिए हैं। हमारे लल्ला का फेवरेट अचार है, कैसे नहीं लाते। चलिए, अब आप लोग हाथ में धुल लीजिए, मैं तब तक खाना लगा देता हूँ। हाँ, चलो। भाई, दिखने में तो सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा। सही कह रहे हो, आलू भिंडी दाल तड़का हमारे फेवरेट है। हमें तो लगा था कि चौमिन पिज्जा बर्गर ना मंगवा के खिला दे खाने के नाम पे। एक बात कहें, खाना इतना स्वादिष्ट कि पेट तो भर गया पर नियत नहीं भरी। सही बात है, खाना एकदम फर्स्ट क्लास, दाल खा के तो ऐसा लगा कि हमने बनाई। चलो, कम से कम खाना बनाना तो बढ़िया आता है तुम्हें। हमारी ट्रेनिंग का फायदा देख रहे, कुछ तो सही सिखाया हमने। गलत जगह आप तारीफ कर रही हैं। कहे? ये सारा खाना आपकी बहू श्रेया ने बनाया है। क्या बात कर रहे हो, खाना बनाना आता है तुम्हें? तुमने बनाया ये? आपको क्या लगा कि आपकी मॉडर्न बहू को ये सब काम नहीं आता होगा? नहीं ना, मतलब आता, आप आजकल तो सब सीख लेते हैं। बात होती है तेल की, है ना, कोई भी ऐसा वैसा तेल यूज कर लिया होगा इसने। 100 टेस्ट से गुजरा हमारे वाला तेल थोड़ा ही होगा। मम्मी जी, वही यूज किया है, आपका फेवरेट फॉर्च्यून कच्ची घानी शुद्ध सरसों का तेल। तुम्हें कैसे मालूम? वो खाना भी सारा हमारा फेवरेट बनाई हो। अमित, तुम मम्मी उसे भी इस घर का फेवरेट बनना है, और सुबह 7 बजे से लगी हुई है किचन में। श्रेया, आपकी भले टिपिकल बहू हो ना हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और आप भी खुश रहिए। हमें तुम्हारी खुशी से कहाँ दिक्कत है, पर ऐसे घर परिवार को भूल जाता है क्या कोई? माँ, कौन भूलता है, और आपको क्यों भूलेंगे हम? हाँ, रोज याद करते हो तुम तो, तभी तो इतने दिन के बाद बुलाया मिलने के लिए हमें। मम्मी जी, हम दोनों ने इतने दिन बाद आपको इसलिए बुलाया क्योंकि हम लोग खुद के खरीदे हुए घर में आपको बुलाना चाहते थे। पर हाँ, गलती तो हमसे भी हुई है। अब से हम दोनों टाइम निकाल कर आप दोनों से मिलने जरूर आया करेंगे। देख ले, सीख ले कुछ हमारी श्रेया बिटिया से।
भाई एक सवाल मेरा भी है कि भाई थोड़ी सी भिंडी और एक रोटी और मिल जाती तो मजा आ जाता। फकवा बस करो, तनिक जगह रख लो, रात में भी तो खाना खाना है ना। रात में हम मटर का निमोना बनाएंगे। निमोना? वाह, ये माँ प्लीज इसको श्रेया को भी सिखा देना। काय काय सिखा दे श्रेया को, हम तो दोनों को सिखाएंगे। अब आएगा मजा। स्वाद और शुद्धता की अटूट परंपरा फॉर्च्यून कच्ची घानी शुद्ध सरसों का तेल।